नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। चूरू रतन नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी हुई जायलो गाड़ी को आखिरकार जब्त कर लिया। शराब तस्कर दौलत राम को भी साथ में किया गया गिरफ्तार। इस जायलो गाड़ी में 70 पेटी अवैध देसी शराब भरी हुई थी। रतन नगर थाना अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी, सीकर की ओर से एक अवैध शराब से भरी हुई गाड़ी आ रही है। इस पर रतन नगर थाना अधिकारी ने मय पुलिस के नाकेबंदी करवा दी। जब ये गाड़ी आती हुई दिखाई दो तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो शराब तस्कर गाड़ी को लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर शराब तस्कर को धर दबोचा व गाड़ी को जब्त कर लिया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 70 पेटी अवैध देसी शराब पाई गई। अब रतन नगर पुलिस शराब तस्कर दौलत राम से गहन पूछताछ कर रही कि शराब कहां से लाई गई और कहां ले जाई जा रही थी। आज मुखबिर की इतला पर श्री नंदलाल सिंह एएसआई द्वारा नाकाबंदी कर एक जायलो गाड़ी से 70 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की गई है और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं, सीकर साइड से, ये फतेहपुर साइड से गाड़ी आई, आगे कहाँ जा रही थी, कहाँ से लाया, इस संबंध में अनुसंधान जारी।